अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूँ हिबा और आज आप गुजारेंगे थोड़ा सा वक्त इस वीडियो के थ्रू। और ये वो मंज़र है जो कि आप हमेशा मेरी खिड़की से देखते हैं। और आज सन निकला हुआ था, धूप थी, बहुत अच्छा वेदर था। तो आज का कुछ प्लान है जो मैं अब से ही आपसे डिस्कस करती हूँ। फ़िलहाल ये जो है एक सेट है, पिकनिक सेट है जो मेरी अम्मी ने मुझे यहाँ पे पाकिस्तान आते हुए दिया था, ये सोच के तुम वहाँ जाओगी बाहर। पार्क्स बहुत अच्छे मेंटेन होते हैं कराची में, तो क्योंकि पार्क्स का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका है तो ये काम आएगा। लेकिन जब हम यहाँ पर आए तो शुरू शुरू में एक दो साल तो गाड़ी ही नहीं थी, फिर माशाल्लाह से कोरोना आ गया था, उसके अंदर 2-2.5 साल वेस्ट हो गए, तो ये बेचारा रखा वही था। तो अभी बस कुछ ही एक दो साल से जो है ये यूज़ हो रहा है। लेकिन ये बड़ा अच्छा सेट है, इसमें 6 पर्सन से कम्प्लीट बिग स्मॉल प्लेट्स बाउल्स ग्लासेस हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत लाइट वेट है। आप बाहर जाने के लिए यूजली पेपर प्लेट्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो उनका जो वज़न है इसका भी सिमिलर वज़न है। और अच्छी बात यह है कि ये डिशवॉशर सेफ भी है, तो आप इसको लेकर आएँ और अपने डिशवॉशर में यूज़ कर लें जैसे कि मैं करती हूँ, और ये बिल्कुल क्लीन हो जाता है और अच्छा रहता है। खैर, आज का प्लान है आउटडोर अफ्तारी का। एक रात पहले मैंने जो है ये कपकेक्स जो थे वो प्रिपेयर कर लिए थे, क्योंकि हम पूरी फैमिली का स्वीट टूथ है, हम सबको पसंद है। तो हम चाहे घर में किसी को बुलाएँ या हम बाहर जाएँ या हम फ्री हो, हम कुछ भी हो, हम कपकेक ज़रूर बेक करते हैं। और मुझे बेकिंग की अच्छी बात ये लगती है कि आप बच्चों को भी उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो हमेशा ऑल दो मेरे बॉयज़ हैं, लेकिन फिर भी मैंने उनको हमेशा इसमें इन्वॉल्व किया है, क्योंकि आपका सारा काम रूम टेम्परेचर पे होता है, चीज़ बेक होने के बाद भी रूम टेम्परेचर पे होती है, तो बहुत अच्छा लगता है और बच्चे भी कुछ सीखते हैं इससे। तो मैं यहाँ पर डेकोरेट करी थी तो मेरा बेटा आ गया, उसने कहा नहीं मैं डेकोरेट करूँगा, मैंने कहा हाँ बिल्कुल करो। तो सीन ये है कि मैंने लास्ट वीक बुलाया था कुछ लोगों को अफ्तारी पे, इस वीक भी बुलाना था, लेकिन फिर मौसम मैंने देखा अच्छा है तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग बाहर चले जाएँ और बाहर जा कर जो है वो अफ्तारी कर लें। तो कुछ आइटम्स जो है वो मैं बनाने वाली हूँ, कुछ आइटम्स जो है वो लोग बना के लेकर आने वाले हैं, और फिर हम एक पार्क में जाके जो है वो अफ्तारी करेंगे। मौसम इंशाल्लाह सही रहेगा, अच्छा रहेगा, तो ये जो प्लान है आई होप कि अच्छा रहे। अच्छा, इसके अलावा जो चीज़ मैंने बनाई थी वो थी बाकरखानी। शायद रमज़ान है और रमज़ानों में मीठे शुगर लेवल डाउन हो जाता है, तो मीठा खाने का ज़्यादा दिल चाहता है, तो मेरा दिल चाह रहा था बाकरखानी का, पाकिस्तान वाली कराची वाली याद आ रही थी। तो यहाँ पे वो मिलती तो नहीं है, लेकिन मैंने फिर इंटरनेट पे देखा तो आप पफ पेस्ट्री के थ्रू जो है उसको बना सकते हैं। तो आप पफ पेस्ट्री को लें, उसको रूम टेम्परेचर पर रखें, उसके बाद उसके ऊपर बटर लगा के आपने शुगर स्प्रेड कर देनी है। लेकिन मैंने जो थी वो ब्राउन शुगर अब स्प्रेड की थी, जो रेसिपी मैंने देखी थी उसमें तो वाइट शुगर थी, तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगा वाइट ब्राउन शुगर जो है वो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। वंस आप लेयर लगा दें चीनी की, तो बस उससे को आपने रोल करके फ्रीज़र में रख देना है ताकि वो थोड़ी हार्ड हो जाए, बिकॉज़ आप रूम टेम्परेचर की पफ पेस्ट्री को कट करते हैं तो वो सही से कट नहीं होती है। तो उसका शेप मेंटेन रखने के लिए जो है वो आप उसको फ्रीज़र में रख दें, 1 घंटे के बाद आप उसे काट लें इस तरह से स्मॉल स्मॉल स्लाइसेस पे, और फिर उसको गोल्डन ब्राउन होने तक बेक कर लें 200 सेंटीग्रेड पे। मुझे तकरीबन 15-20 मिनट्स लगे थे और ये बेक हो गया था। क्योंकि हम अफ्तारी बाहर करने वाले हैं तो ऑब्वियसली ड्राई आइटम्स ही बनाने थे, तो मैंने सोचा कि क्या क्या हो सकता है, तो उसमें से ये एक आइटम भी अच्छा था, ईजिली बन गया था। और ये बेक होके इनकी शक्ल कुछ इस तरह से आ गई थी, लेकिन ये खाने में अच्छे थे। जो दूसरा आइटम मैंने सेलेक्ट किया था वो था छोले। यहाँ पे मैं उसका मसाला प्रिपेयर कर रही हूँ। मुझे पर्सनली काले छोले वाइट छोलों से ज़्यादा पसंद हैं, लेकिन मेरे जो हस्बैंड हैं उनको काले छोले इतने अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए होता ही है कि ये मैं उसी वक्त बनाती हूँ जब या तो कोई हमारे यहाँ गेस्ट आ रहा हो या हमें कहीं जाना हो, ताकि एक आइटम है जो कि मुझे खाने को मिल जाए। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि चलो लास्ट टाइम अफ्तारी पे वाइट वाले बनाए थे, तो इस दफ़ा ये वाले ट्राई करती हूँ। आप लोग भी बताइएगा आपको कौन से वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो ये बन रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैंने सुबह में कर ली थी क्योंकि शाम को हमें जाना था, और अगेन ये एक ऐसा आइटम है जो कि ऑलमोस्ट ड्राई होता है, तो ये वहाँ के लिए अच्छा रहेगा। अच्छा, इसके अलावा जो मैंने चीज़ सोची थी वो थी पराठा रोल की, क्योंकि टाइम असल में हमारे पास वह बहुत कम होगा। यहाँ पे जो पार्क्स हैं वहाँ पे लाइट्स वगैरह नहीं होती हैं, अंधेरा हो जाता है, तो अफ्तारी के वक्त जो है वो आपके पास टाइम कम ही होता है, तो हमारे पास टाइम कम होगा, तो मैंने सोचा कि चलो ये चीज़ बना लेते हैं। अगर उस वक्त बैठ के खाने में नहीं भी आई तो आप उनको हैंड ओवर कर सकते हैं या चलते चलते भी खा सकते हैं। तो छोले, कपकेक्स और उसके साथ जो मेन आइटम था वो ये था। दूसरी फैमिली भी कुछ आइटम्स बना कर लेकर आ रही है जो कि आपको बाद में दिखेगा। तो यहाँ पर मैं उसकी पूरी फ्राई कर रही हूँ और उसके बाद मैं उनको प्रिपेयर कर लूँगी। अच्छा जी, सारी तैयारी हो गई है, अब हम गाड़ी में बैठ रहे हैं। ऑलमोस्ट इस वक्त 4 बजे हैं, 4-4:30 का टाइम है, और अब हम यहाँ से निकलेंगे
अल्लाह का शुक्र है वेदर अभी तक भी सही था, सनी ही था, बारिश नहीं हुई, वरना यहाँ पे तो जल्दी से बारिश भी हो जाती है, पता नहीं चलता। बच्चे जो हैं वो गाड़ी में बैठ चुके हैं, हमारी गाड़ी जो है वो काफ़ी कम ही साफ़ साफ़ होती है, क्योंकि बच्चे हैं वो साफ़ करो और फ़ौरन के फ़ौरन गंदी हो जाती है। तो प्लीज़ उस सारे मैस को जो है आप एक्सक्यूज़ कर दीजिएगा। बस अब हम यहाँ पर अपना सफ़र स्टार्ट कर रहे हैं। और जो चीज़ मुझे हर रमज़ान में बहुत ज़्यादा मैं मिस करती हूँ वो है रमज़ान का इन्वायरमेंट जो पाकिस्तान में आपको मिलता है, UAE या जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ही मिल जाता है, आई थिंक कनाडा और अमेरिका वगैरह में भी, क्योंकि पाकिस्तानी कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा है तो वहाँ पे भी शायद हो जाता होगा, लेकिन जर्मनी में अभी भी पाकिस्तानी कम्युनिटी काफ़ी कम है और लोग अब बहुत आ रहे हैं, लेकिन जैसे कि कनाडा में या अमेरिका में एक है कि एक ही इलाका है जहाँ पर सब मुस्लिम्स हैं, यहाँ पर इस किस्म का कॉन्सेप्ट नहीं है। जी तो बात हो रही थी माहौल की, तो क्योंकि यहाँ पे माहौल नहीं है इस वजह से रमज़ानों का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, ना अज़ान की आवाज़ आती है, ना फील ही नहीं होता उस टाइप का, लेकिन बहरहाल अरकान है पूरे तो करने हैं। अच्छा, हमारे साथ एक बैड सीन ये हुआ कि हम ऑल्दो इस जगह काफ़ी दफ़ा जा चुके, लेकिन शायद या तो रोज़ा था, दिमाग नहीं चल रहा था, आई डोंट नो क्या हुआ कि हमने गलत रास्ता ले लिया, और ये रास्ता बड़ा अच्छा था। हम घर देखते हुए जा रहे थे और लोगों के सेटअप्स देखते हुए जा रहे थे, उन्होंने कैसे गार्डन अपने मेंटेन किए हुए हैं और बिल्डिंग्स क्या हैं, और हमें इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि हम जो हमने गलत रास्ता ले लिया। अगर आप यहाँ से देखें तो बैक साइड पे आपको इन घरों के लेक नज़र आ रही है, तो हमें ये था कि हाँ ठीक है, हम लेक पे तो पहुँच गए, अभी किसी गली से एंटर होंगे और हमारा लेक व्यू आ जाएगा, लेकिन ये गली काफ़ी हम चलते रहे, ड्राइव करते रहे करते रहे, और फिर हमें लगा कि नहीं ये कुछ मसला हो गया, हम लेक के दूसरी साइड पर आ गए। तो हमें हाफ़ एन आवर में वहाँ पे पहुँच जाना था, लेकिन बिकॉज़ ऑफ दिस मिस्टेक हमें जो है वो तकरीबन एक घंटे से भी ज़्यादा लग गया, तो हमारा प्लान जो है थोड़ा सा ख़राब हो गया। हम चाहिए रहते कि हम पहले पहुँच जाएँ ताकि बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा प्ले ग्राउंड में खेल वेल लें और हमें भी मौका मिल जाए बातें बातें करने का, लेकिन थोड़ा सा ख़राब हो गया। अच्छा जी, अब हम ये पहुँच गए, ये है वो लेक, स्टार्नबर्ग की लेक है, इससे पहले भी आपने मेरी वीडियोज़ में देखी है, बड़ी अच्छी जगह है, खूबसूरत जगह है, और आज जो था वो टेम्परेचर भी इतना ज़्यादा लो नहीं था तो अच्छा लग रहा था। गई, बहुत मज़ा आया, लेकिन अफ्तार अंधेरा होते साथ ही जो है ना वो थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हो गया था, सर्दी लगने लगी थी, तो हमने सोचा चलो वापसी पे यहाँ से कॉफ़ी लेते हैं, लेकिन यहाँ के लोग इतने पंक्चुअल हैं कि अभी 8:05 बाकी थे, मगर उन्होंने कहा कि हमने अपनी कॉफ़ी मशीन बंद कर दी क्योंकि 8 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं, तो हमें कॉफ़ी तो नहीं मिल सकी, लेकिन हमने जो है वो बच्चों को हॉट चॉकलेट दिला दिया था
और फिर हमने कहा चलो अब घर को निकलते हैं, क्योंकि अंधेरा काफ़ी हो गया था। इस जगह लाइट्स तो ऑन है लेकिन बैठना अलाउ नहीं था बिकॉज़ 8 बज गए थे। तो अब सब हम लोग जो हैं वो घर की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा सा ड्राइव गलत होने की वजह से थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हो गई, लेकिन ओवरऑल हमें मज़ा आया और हमने इस अफ्तार को एंजॉय किया। आई होप कि आपने भी किया होगा।